साल 2022 की विदाई की आखिरी रात, जब पूरी दुनिया जश्न के माहौल में डूबी हुई थी, उसी रात देश की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक 20 साल की लड़की को कई किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत भी इतनी दर्दनाक कि वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा नहीं सकते। ऐसे में जिन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कौन है ये 5 आरोपी और कैसे इस मामले में एक बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इस कांड में जो 5 आरोपी हैं, उनमें एक बीजेपी नेता है जिसका नाम मनोज मित्तल बताया जा रहा है। सुल्तानपुरी में इसकी राशन की दुकान है, इसके इलाके में पोस्टर भी लगे हुए हैं। इनमें मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के समय मनोज मित्तल गाड़ी में ही मौजूद था। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें लड़की कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कार ड्राइवर उसे घसीटते हुए यूटर्न लेते नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस मामले की लीपापोती की जा रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है। उस बच्ची के शरीर पे नीचे के हिस्से पे मांस नहीं बचा, पसलियां भी घिस घिस के जो है सड़क पर टूट टूट के गिर गई है, और ये कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला। बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब नाव में घूम रहे हैं, कल एलजी साहब नाव में घूम रहे थे, शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा शर्म सर से झुक गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया, एसएचओ को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। बता दें, इस पूरे मामले में कुल 5 लोग आरोपी पाए गए हैं, जो उस रात उस बलेनो कार में सवार थे जब ये पूरी घटना हुई। इन सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोज मित्तल के अलावा 26 साल का आरोपी दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा का ड्राइवर है। 25 साल का आरोपी अमित खन्ना उत्तम नगर में SBI कार्ड में काम करता है। 27 साल का आरोपी कृष्णन दिल्ली के कनॉट प्लेस में नौकरी करता है। 26 साल का आरोपी मिथुन नारायणा में हेयर ड्रेसर का काम करता है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 279, 304 और 120B के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं, उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी। और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे, सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं, या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। 20 साल की अंजलि अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए काम पर निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कभी चढ़ता सूरज ही नहीं देख पाएगी। अंजलि के पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार में माँ, 2 छोटे भाई और 4 बहनें हैं, जिसमें से अंजलि एक थी, और परिवार की जिम्मेदारी भी अंजलि ही संभाले हुए थी। अंजलि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात अंजलि काम से अपनी स्कूटी से घर वापस ही लौट रही थी, और तभी 5 दरिंदों ने अपनी गाड़ी तले उसे रोक दिया। यही नहीं, कई किलोमीटर तक अंजलि का जो बॉडी पार्ट है उस गाड़ी में अटका रह गया, जिसके चलते अंजलि की पूरी बॉडी वहां से घसीट दी गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 किलोमीटर तक अंजलि की बॉडी उस कार के जरिए घसीट दी गई। उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई, उसके अंग बुरी तरह शत विशत हो गए। इतने दूर घसीटे जाने की वजह से उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है,
और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। बता दें कि मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी अंजलि का परिवार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि आई विटनेस को इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस तक देने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। वो लगातार कॉल करता रहा लेकिन PCR वैन के जरिए वहां से कोई जवाब नहीं मिला। करीब 22 कॉल उस आई विटनेस को करनी पड़ी। जब मौके पर PCR वैन पहुंची तो यहां दावा किया जा रहा है कि पुलिस उस वक्त नशे की हालत में थी। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई बड़े राजनेताओं की तरफ से आए बयान में आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।